जय हिंद दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के रीओपन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है बिना किसी गलती के। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के रीओपन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 25 मई से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 3 जून 2022 लास्ट डेट रखेगी, इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको एक्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। विज्ञापन क्रम संख्या इसे आप डाउनलोड कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ पर आप इसमें देखिए जो आपकी वैकेंसियाँ हैं वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अनेक प्रकार की आपकी वैकेंसियाँ दी गई हैं। आप इन्हें एडवर्टाइजमेंट है, आप इन्हें डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपकी वैकेंसियाँ दी गई हैं। जैसे कि इसमें जो लोक निर्माण विभाग में टोटल आपकी 51 वैकेंसी हैं, पंचायत है ग्रामीण विभाग विकास विभाग में आपकी 139 वैकेंसी दी गई हैं, जल संसाधन विभाग में 180 वैकेंसी हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में 33 वैकेंसी है, नगरीय विकास विकास विभाग में 24 वैकेंसी, टोटल आपकी 427 वैकेंसी दी गई हैं, लोक निर्माण विभाग में 28 वैकेंसी हैं, जल संसाधन विभाग में 6 वैकेंसी, टोटल 36 वैकेंसी दी गई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में आपकी टोटल 5 वैकेंसी दी गई हैं। ये नोटिफिकेशन आप सभी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आप ये सभी की पीडीएफ आपको दी गई है। देखिए जो आपके फॉरम और रीओपन किए गए हैं ये आप पीडीएफ और डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो आपके फॉरम हैं आज से ही शुरू हो चुके हैं, 25 मई से आपके फॉरम शुरू हो चुके हैं। 3 जून 2022 लास्ट डेट रखेगी, इससे पहले आपको सभी को अप्लाई कर लेना है। अब मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाता हूँ, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपने अप्लाई करना है सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से अपना नाम डालेंगे आप, उसके बाद मध्य नाम डालेंगे, अभ्यर्थी का अंतिम नाम यहाँ पर आप डाल देंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम डालना है, उसके बाद माता का नाम यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद यहाँ से आप विवाहित हैं या नो पर अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। जैसे ही नो करते हैं ये सभी ऑप्शन आपके ऑफ हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। देखिए अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो यस करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे आपकी कैटेगरी और जनरल में काउंट कर दी जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद नीचे आना आपको, अगर आप PWD कैंडिडेट रहते हैं यस नो पर अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। जैसे ही आप नो करते हैं ये आपके ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आना आपको, देखिए क्या अभ्यर्थी कभी सेवा के पृथक करने से दंडित किया गया है, तो यस नो अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें चेक कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप यस नो कर सकते हैं नहीं। उसके बाद नीचे आना आपको, देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या आपके पास मध्य प्रदेश के रोजगार करने में जीवित पंजीकरण है, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। है तो यहाँ पर आप यस करके उनकी डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप भूतपूर्व सैनिक है यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही नो करेंगे उसके बाद आपके ऑटोमेटिक ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आना आपको, आप अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। करने के बाद आप उनकी डिटेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, पहले आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन डालनी है, किसी उत्तीर्ण परीक्षा का नाम डाल देना आपको। उसके बाद यहाँ से डिवीजन ग्रेड जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको विषय डालने, पूर्ण यहाँ डालने, प्राप्त अंक यहाँ पर डालेंगे, प्रतिशत यहाँ पर डालेंगे, डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप जो भी आपकी डिवीजन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद यहाँ से बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर डालना है, किसी आपने की थी यहाँ पर डालेंगे, प्रमाण पत्र संख्या रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट प्लस टू की डिटेल यहाँ पर डालनी है आपको, डिवीजन ग्रेड जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विषय डाल देंगे, पूर्ण अंक डाल देंगे, प्राप्त अंक डाल देंगे, प्रतिशत यहाँ पर आपकी खुद उठा लेगा, डिवीजन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड जो भी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी संस्था का नाम यहाँ पर डाल देना आपको, किसी आपने प्लस टू पास किए यहाँ पर आप रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको BTech को जो भी कर रखी है अपने वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिविल इंजीनियर के साथ ने BTech कर रखी है, उसके बाद यहाँ से आप पूर्ण अंक प्राप्त अंक डाल देंगे, परसेंटेज खुद उठा लेगा। उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे आप, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग
उसके बाद यहाँ से बोर्ड संस्था विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर डालना है आपको, किसी और आपने बीटेक की यहाँ पर डाल देंगे, रोल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है, उसके बाद नीचे आना आपको। अगर आप सेवा का विवरण है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, उसके बाद नीचे आना आपको। देखिए यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम डालना है, उसके बाद IFSC कोड डाल देना है, शाखा का नाम डालना है, शाखा कोड डाल देना है, उसके बाद शाखा धारक का नाम डालना है, खाता संख्या यहाँ पर डालनी है, उसके बाद यहाँ से आपको जो आपकी पासबुक है उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, 200 KB में मैक्सिमम साइज़ रखा गया है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना ज़िला डालेंगे आप, यहाँ पर अपना पता डाल देंगे कंप्लीट, उसके बाद पिन कोड नंबर डाल देंगे, लैंडमार्क यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे आना आपको। यहाँ से आपको परीक्षा सेंटर और चेक अपने अकॉर्डिंग आप परीक्षा सेंटर यहाँ पर डालेंगे, जो भी आप परीक्षा सेंटर देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 4 परीक्षा सेंटर चूज कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद नीचे आना आपको। यहाँ पर अपनी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, उसके बाद यहाँ से अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो का साइज रखा गया है 20 से 100 KB रखा गया है, सिग्नेचर का साइज है 10 से 100 KB रखा गया है। जैसे ही आप इन्हें अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है, उसके बाद यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करना आपको, उसके बाद ये जो आपको वेरिफिकेशन कोड दिया गया है यहाँ पर डालना है, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सेव करते हैं उसके बाद यहाँ से आपके फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखा देगा, जैसे कि सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने, ये आपका आवेदन क्रमांक नंबर है, ये आपके फादर का नाम, उसके बाद यहाँ से अपनी डिटेल आपको चेक करनी है, अच्छे से सभी डिटेल को चेक करना आपको, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, उसके बाद आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपको अच्छे से चेक कर लेना सभी को, उसके बाद आपकी कैटेगरी, उसके बाद नीचे आना है आपको। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भी आपको चेक करनी है, जो आपने क्वालिफिकेशन डाली यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर लेंगे, पहले आपको हाई स्कूल की चेक कर लेनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की सेल यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है अच्छे से, उसके बाद जो आपने बीटेक डाली है उसकी अच्छे से आप यहाँ से क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस आपको चेक कर लेना, जो आपका कंप्लीट एड्रेस है, उसके बाद यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम सेंटर चूज कर चेक कर लेंगे जो आपने एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं। उसके बाद देखिए जो इसमें आपकी टोटल फ़ीस लगेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इसमें 540 रुपये फ़ीस आपकी इसमें लगेगी। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो यहीं से एडिट कर सकते हैं आप, इसके बाद कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लें तभी आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सभी जानकारी आपकी दी गई है, आप इन्हें अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है, आपको रिडायरेक्ट दिया जाता है पेमेंट के ऑप्शन पर। यहाँ पर अपनी फ़ीस आपको पे करनी है, जैसे चाहे वैसे अपनी फ़ीस यहाँ से आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दिए गए, जैसे कि डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट, जैसे चाहे अपनी फ़ीस यहाँ से आप पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करना है तो नेट बैंकिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से अपनी फ़ीस आपको पे करनी है, यहाँ से अपनी फ़ीस आपको पे कर देनी है। देखिए जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं उसके बाद आपको रिडायरेक्ट दिया जाता है होम के पेज पर। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए यहाँ से आपको व्यू सबलिकेशन स्टेटस पर यहाँ पर आपको चेक करना है और यहीं से अपना प्रिंट आउट आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर डालना है और लॉगिन करके यहाँ से अपना प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है बिना किसी गलती के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना फ्यूचर में ऐसे कोई अपडेट पाने के लिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।